आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। और फॉर्मूले में सबसे पहले हम बात करेंगे उस क्वेश्चंस की जो कि मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे उनकी एयरलाइंस थी, एयरलाइंस की कॉलम था जिसमें कई सारी एयरलाइंस इस तरह से थे। ऐसे एक ही में जितने उसने फ्लाइट चेंज किया उतने एयरलाइंस यहाँ दिखेंगे आपको। किसी ऐसा हो सकता है कि किसी ने जैसे मान लीजिए एयर इंडिया को लिया है, उसके बाद फिर उन्होंने एफ एल ले लिया ट्रांस फ्लाइट, और वाई आई एक भी होता है और एक आपका वाई के भी होता है। अब मुझे इसमें पता करना था कि क्या इसमें सेम फ्लाइट है या अलग अलग है, समझे? मतलब है कि हाँ ये समझना चाहते हैं कि कॉमा के साथ जो ये लगे हुए हैं दो डिजिट के, ये सेम है या डिफरेंट है। इसमें प्लस पॉइंट है कि दो डिजिट के हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे राइट का फॉर्मूला, राइट भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट का फॉर्मूला लेंगे और दो डिजिट को अलग कर देंगे, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लेंगे और इसमें हम बोलेंगे कि इस एयरलाइंस को ब्लैंक कर दो, और फिर हम लेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेन, लेन थ्री है। और इसलिए एक बार और करना पड़ेगा यहां पे सब्स्टिट्यूट। इसमें हम बोलेंगे कि कॉमा को ब्लैंक कर दो, ठीक है। अब यहां पे हम लेन निकालेंगे। अगर लेन इक्वल टू जीरो हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बता गया? ठीक, क्या किया हमने, हमने से सबसे पहले लेफ्ट से इसका दो डिजिट अलग निकाला, फिर हमने क्या किया उसको उसी से उसमें उसको जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके ब्लैंक कर दिया, तो सब डिलीट कर दिया। क्या बच गया? सिर्फ कॉमा बच गया। फिर मैं कॉमा को डिलीट कर दिया तो यहां पे ब्लैंक। तो अगर इसमें कोई डिफरेंस या लाइन होती, जैसे मैं लिख दिया एफ कर दिया, तो क्या होता कि यहां पे कॉमा सब कुछ डिलीट होने के बाद एफ जो डिफरेंस या लाइन था वो बच जाता। तो यहां पे लेन अगर कोई आया इसका मतलब है कि कोई अदर एयरलाइंस भी था इसमें, ठीक है। समझ आया कि नहीं सर? उसको एक सेल पे लगाना है तो यहां पे हम करेंगे लेन, लेन में देंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में देंगे अगेन सब्स्टिट्यूट, और इस सब्स्टिट्यूट में होगा इसको हम सेलेक्ट करेंगे कॉमा, हमें लेफ्ट इसको हम करेंगे कॉमा टू, यहां ब्लैंक। फिर इसमें हमने कर दिया कॉमा ब्लैंक से, हो गया। और फिर इस पे इक्वल टू जीरो, रिजल्ट आपके सामने। किसी को डाउट इसमें? सर मेरा मेथड तो कंप्लीट डिफरेंट है, इस टाइप नहीं किया था मैंने, शायद मैं गलत होगा, मैं फाइल भेज देता हूँ आपको कैसे किया था। आया नहीं आया सर इसको? अभी समझ में आ गया सर। ऊपर चल गया, इस तरह से हम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे मेरे कुछ मान लीजिए कि वेबसाइट है, तो जैसे कि यहाँ पे kumar@iptindia.com मुझे इसको सेपरेट करना है। तो लेफ्ट का फॉर्मूला, सेपरेशन का फॉर्मूला एक बता देता हूँ कि अगर किसी हमें सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे। तो हम
हमारे पास लेफ्ट का फॉर्मूला है जिसको सिलेक्ट करके जितना डिजिट बोलेंगे उतना डिजिट ए अलग कर देगा। दूसरा हमारे पास मिड का फॉर्मूला है जो कि बताना पड़ेगा इसमें कि मिड कहाँ से है। सात नंबर हमने बोला कि मेरा मिड पांचवें नंबर से है और तीन डिजिट मुझे लेना है, ए वन वन टू थ्री जीरो हो गया, फोर और थ्री फाइव, पांचवें से तीन करेक्टर 369 ये अलग कर देगा। उसके बाद राइट का फॉर्मूला है, इसमें सिलेक्ट करके बताएंगे कि राइट से नंबर ले लीजिए जितना डिजिट, तो उतना डिजिट राइट से ले लेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट मिड और राइट है, तो इसमें से जो है हमारा इसमें से मुझे आईडी को अलग करना है और साइट को अलग करना है। तो मैं अगर मैंने यहाँ पे लगाया लेफ्ट का फॉर्मूला, लेफ्ट इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे फाइव कर दिया, तो क्या होगा कि पांच करेक्टर अलग कर दे। जरूरी थोड़ी कि पांच ही करेक्टर होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं ना। तो मुझे करना है कि ये एट द रेट के बिहाव पे दोनों को दोनों तरफ करना है। तो मुझे क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है फाइंड का या सर्च। फाइंड और सर्च दोनों एक ही है, फाइंड केस सेंसिटिव होता है और सर्च हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसमें हमने एट द रेट को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एड हमने यहाँ पे कर दिया वन, इसने बता दिया कि सिक्स से हमारा स्टार्ट है। तो हमने यहाँ पे बोला कि सिक्स में कि लेंथ माइनस फाइंड माइनस वन। अब मेरा नाम कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया इन्फो, क्योंकि चार डिजिट का ही है, देखिए इन्फो आ गया। साइट अलग करना है तो मैंने यहां पर राइट का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया और बोला इसकी जो कंप्लीट लेंथ है, मतलब कि जो भी नंबर्स है उसमें से हमने बोला कि माइनस करो फाइव डिजिट, तो हमारा राइट अलग, समझ गया? क्लियर है कोई डाउट इसमें? नहीं सर। इस तरह से आप अलग कर सकते हो। अब अलग तो हमने कर लिया, अब बात करते हैं सेपरेशन की। सुजीत है और यहाँ पे कुमार है, इन दोनों को सेपरेट करना है। तो इसके तीन चार फॉर्मूले हैं। एक तो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे कॉनकैटेनेट, इसको स्टार, फिर इसमें सेपरेटर देना है, कोई सेपरेटर दीजिए और यहाँ पे इसको। या फिर अगर हम बात करें हमारे पास एंड परसेंट का भी सैम्बल है, इससे भी अलग हम एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर ज्वाइन करते हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहां पे हमने अपना डेट डाला और यहां भी हमने मान लीजिए डेट डाला। अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो अगर आपने कॉनकैटेनेट लगा दिया या अगर एन परसेंट का सिंबल लगा दिया तो इस तरह के नंबर्स आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगती है। ए जो डेट आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं है, ए क्या है, ए इसके विजुअल है। अगर मैं जनरल फॉर्मेट में करूंगा तो ये नंबर्स ही होंगे, इसलिए नंबर्स ले रहा है। लेकिन मुझे नहीं, मुझे इनको आपस में ज्वाइन करना है डेट फॉर्मेट में और अपने हिसाब के फॉर्मेट में, तो आप क्या करेंगे, कॉनकैटेनेट डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला देंगे। टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करेगा, डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी फॉर्मेट चाहिए कस्टम फॉर्मेटिंग वाला मेथड यहां पर अपना लीजिए टेक्स्ट, और यहां भी आप सेम डेट हो गया। इसमें एन परसेंट और यहां पे स्पेस टू जो सेपरेटर है मैं लगा दिया, और अगेन हम टेक्स्ट फॉर्मूले को ले लिए, ले लिया, और इसके लिए हम अलग डीबी स्लैश बोल कीजिएगा किसी का फोन, एक सेकंड दीजिए। जो भी आ रहा है
सॉरी सर, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया, यहाँ पे डीडी हमने कर दिया, डीडी एम 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 स्लैश वाई, तो इस तरह की चीजें आप करेंगे हमेशा जब ज्वाइन करेंगे तो। लेकिन मुझे ज्वाइन करना है एक सीरीज, मुझे ज्वाइन करना है पूरी की पूरी सीरीज, कैसे करेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास सीरीज में है यूजर इस तरह से, और यहां पे हमने एक साथ ज्वाइन करना है, तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, दो फॉर्मूले, एक है कॉनकेट, लेकिन ये फॉर्मूला लेटेस्ट वर्जन में ध्यान रखिएगा। कॉनकेट क्या करता है, इस तरह से इसको मर्ज कर दिया। दूसरा हमारा आता है वो आता है टेक्स्ट ज्वाइन, मतलब कि इसमें सेपरेटर नहीं दिया, आपको सेपरेटर चाहिए तो टेक्स्ट ज्वाइन, यहां पर हमने सेपरेटर दिया कॉमा, और हमने दिया कि क्या ब्लैंक को इग्नोर करना है, इग्नोर करना है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद आप अपना पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करें, तो एक कॉनकेटेनेट और एंड परसेंट से आपको वन बाई वन करना होता, बट ये पूरी की पूरी सीरीज को आप ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि लेटेस्ट वर्जन में कॉनकेट एंड समझ गए सर, मानसु जी, संतोष जी, मनीष जी, जी सर, चलिए ये हमारा हो गया टेक्स्ट। और सर एक चीज पूछ रहा था सर, ये जो पूरा सीरीज आ गया ना सर, और मान लीजिए मेरे पास पूरा सीरीज है, इसको सेपरेट करना रिवर्स वे में, जैसे पूजा, नीरज, कविता, मोहन लिखा हुआ है, आप इसके सिंपल है ना इसको, अगर आप इसलिए भी बड़ी बात थोड़ी है, सेपरेटर है तो, अगर सेपरेटर नहीं है तो दिक्कत होगा। सेपरेटर हमारे पास है और मुझे इसको अलग अलग करना है, इसके लिए फॉर्मूला तो कोई फिलहाल नहीं है, लेकिन टेक्स्ट टू कॉलन कर सकते हैं आप, टेक्स्ट टू कॉलन डिलिमिटेड, हमने बोला यहां पे कॉमा, और फिर इसको कॉपी कीजिए एंड यहां पे राइट क्लिक ट्रांसपोज लगा देंगे, स्पेशल ट्रांसपोज, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास यहां हमारे पास वीवीए का फॉर्मूला है, तो उससे भी अलग कर सकते, वीवीए से फॉर्मूला बना के अलग कर सकते हैं। में अगला ऑप्शन आता है हमारे टेक्स्ट फॉर्मूले में, एक बार देख लेते हैं कैटेगरी में, तो क्लीन कोड हो गया था। अब इसमें दो चीज आती है, डॉलर और एग्जैक्ट और फिक्स, तीन फॉर्मूले हैं। तो डॉलर एग्जैक्ट को समझते हैं, डॉलर और फिक्स को समझते हैं। क्या होता है कि इस पे कभी कभी हमारा इस तरह का कुछ ऐसे लगते चले जाते हैं ना सर, कोई चेंज किया जा सकता है, बिलिंग वगैरह में ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो हम चाहते हैं कि फिक्स हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स के अंदर में इस अमाउंट को डाल देते हैं, अब इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, या डॉलर के अंदर डाल देते हैं, तो इसमें डॉलर जो आपका अब डिफॉल्ट आपका जो करेंसी सिंबल है वो आ जाता है, जरूरी कि डॉलर आए, आपके इंस्टॉलेशन करते समय जो आपने कंट्री सेलेक्ट कर रखा उसके हिसाब से यहाँ पे साइन आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एग्जैक्ट। अब जैसे कि हमने दो यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, तो एक अपर लेटर में एक लोअर लेटर में, जब हम इफ लगाते हैं तो इफ के अंदर में एक केस सेंसिटिव नहीं होता है, बट मुझे एग्जैक्ट लाइक पासवर्ड की तरह मुझे मैच करना है, तो यहाँ पे आपके सामने एग्जैक्ट का फॉर्मूला होता है, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इसको सेलेक्ट कीजिए, ये आपका दोनों अगर ट्रू हो एक जैसा होगा तो ट्रू, अदरवाइज इसका यूज आप कर सकते हैं। ये हमारा एग्जैक्ट का, बाकी हमने फाइन फिक्स्ड बता ही दिया, लेफ्ट लाइन लोअर, लोअर में उठता है मीड बता दिया, नंबर वैल्यू वैल्यू होता है सिर्फ, इसमें हमारे हिसाब से कोई फॉर्मूला नहीं रह गया, सारा फॉर्मूला हमने इसे बता दिया। कोई फॉर्मूला ऐसा लग रहा है कि रह गया है, वैल्यू एंड नंबर वाले दोनों एक ही होता है, बस ये ट्रू एंड फॉल्स को कंसिडर नहीं करता है, ट्रू एंड फॉल्स को कंसिडर करता है, और टी टेक्स्ट को रिटर्न करता है, नंबर को इग्नोर करता है, ये बताइए। चलिए जैसे आपके लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, उसमें किसी किसी नंबर में किसी किसी सेल में टेक्स्ट है,
आपको यहां पे सिर्फ टेक्स्ट वाला चाहिए, तो टी का फॉर्मूला यहां पे काम आता है टी, और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसका अपोजिट अगर हम एन में जाते हैं तो एन सिर्फ नंबर को रिटर्न करता है, टैक्स को जीरो कर देता है। क्लियर है? तो चलिए इसमें हम आज की होमवर्क के बारे में बात करते हैं। तो आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा? आज का होमवर्क में सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ पर्सन के नेम लिखने हैं, कुछ पर्सन के नेम लिखने हैं, जिसमें से कि पूजा सिंह, मोहन राज वर्मा, ऐसे कुछ नाम है, मुझे इनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करने हैं। समझ में आया? मुझे जस्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। क्लियर? सिर्फ ये दो का या हम इंडिविजुअल नाम ले सकते हैं? क्या दो का समझ रहे? मतलब हम खुद नाम यहाँ पे टाइप शीट में टाइप करके सेपरेट, मतलब ये असाइनमेंट कर सकते हैं ना कंप्लीट? अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, पर मुझे तो भैया फॉर्मूला देखने से मतलब है। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं आपकी क्लास में कल। ओके, बाय।